माणयोग सुप्रीम कोर्ट अते एग्जैक्टिव चेयरमैन पंजाब लीगल सर्विस अथॉरिटी के दिशा निर्देशों मुताबक 10 जुलाई को कौमी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस कौमी लोक अदालत के दौरान वक-वक तरह के मसलों को वक-वक तरह के केसों को धिरां की आपसी सहमति के नाल विचार अधीन लिया जाएगा अते उन्हां दा मौके ते निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत विच लगे हुए केसां अते लोक अदालत विच पास हुए फैसलों का कोई अपील नहीं बनती है, इस करके किसी भी तरह के लोक अदालत के फैसले नूं असीं अंतिम फैसला कह सकते हां, जिस नाल ना केवल धिरां दा समां बचदा है बल्कि अपीलां दा पैसा भी बचता है। इन्ना ही नहीं, लोक अदालत विच होए फैसलों दे विच धिरां अपनी कोर्ट फीस भी वापस ले सकदियां हन। इस करके ना केवल यह एक सुचजी समाजिक प्रक्रिया की स्थापना करता है बल्कि लोक अदालत विच कीते हुए फैसलों नाल धिरां दी आपसी कुड़त्तन घटदी है अते आपसी भाईचारा वधदा है। इसलिए मेरी जिला वासियों नूं पुरजोर अपील है कि वह वध तों वध केस अपने वकील साहिबाना की मदद नाल आ रही लोक अदालत जो कि 10 जुलाई नूं हो रही है उस विच वध तों वध केस लगवा